नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर एक और दोस्तों, धन कुबेर निकला कोलकाता के अंदर, इतना सारा खजाना आप सीधा लाइव देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय का एक बार फिर से एक्शन देखने को मिला है। आज ईडी ने कोलकाता शहर के कई इलाकों में छापेमारी की, ईडी टुकड़ों में बट गई, जिसके बाद उन्होंने शहर के अलग अलग कोनों में रेड शुरू की। इस अभियान में ईडी ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी ने गार्डन रीच इलाके में एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी आमिर खान नाम के एक व्यक्ति के घर पर रेड की। ईडी अफसरों को खाट के नीचे प्लास्टिक के पैकेट में लिपटे 500 और 2000 रुपए के दोस्तों यहां ढेर सारे बंडल मिले हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक खाट के नीचे से 7 करोड़ रुपए दोस्तों निकाल लिए हैं। बहुत ही बड़ी खबर और हैरान कर देने वाली खबर दोस्तों, आप सीधा लाइव देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह रेड मोबाइल गेमिंग ऐप से धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने कोलकाता में 6 जगहों पर छापेमारी में 7 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया। ईडी ने जिन जगहों पर रेड की उसमें से न्यू टाउन, एक बोलेर पार्क स्ट्रीट और गार्डन रीच शामिल है। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में सीबीआई ने करोड़ों रुपए के कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मले घटा के कोलकाता और आसनसोल स्थित कई आवासों पर छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। वहीं ईडी ने भी कोयला घोटाले में घटक को पूछताछ के लिए कई बार तलब किया है और वहां से भी भारी मात्रा में पैसा जब्त किया है। और ये सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नोटों का अंबार लगा हुआ है। बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, अलग अलग दोस्तों जगहों पर छापेमारी की गई है, जहां से करोड़ों रुपए कैश, गहने और दोस्तों कुछ कागज भी मिले हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर, अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे, लगातार दोस्तों ईडी छापेमारी कर रही है। और अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।